अच्छा ये हमारे पास पहले हम कोरोनल सेक्शन में देख रहे हैं, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। ये हमें इस तरह बता दीजिए कि कॉर्पस केलोजम का जीनू बॉडी और स्प्लीनियम है। अब हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखना है तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। अब ये पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल है, ये हमें कैसे पता चला है कि एंटीरियर हॉर्न जो है ना वो इस जगह पर बिल्कुल मिड लाइन के साथ होता है, यहाँ पर होगा, ये थोड़ा सा शायद नजर भी आ इस जगह पर होता है, वो मिड लाइन के साथ होगा तो वो एंटीरियर साइड है, ये मिड लाइन से थोड़ा दूर है तो ये पोस्टीरियर हॉर्न है और पोस्टीरियर साइड ये होगी फिर। अब ये जो है बिल्कुल इधर स्टार्ट करें तो ये थैलेमस है, थैलेमस के बिल्कुल साथ लाइटली स्टेन्ड एरिया इंटरनल कैप्सूल का होगा, उसके बाद ये जो सारा डार्कली स्टेन्ड एरिया है ना ये है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इसमें ये जो मीडियली साइड पर होता है डार्कर वो ग्लोबस पैलेडस, लाइटर ग्लोबस पैलेडस और डार्कली स्टेन लैटरल पार्ट जो है वो प्यूटामिन हो गया। इसमें हमने कहा है कि कॉर्डेट न्यूक्लियस का सिर्फ हेड और टेल नजर आता है, बाकी बॉडी नहीं नजर आती। उसके बाद इस लेंटिफॉर्म के बाद आ गया एक्सटर्नल कैप्सूल, एक्सटर्नल कैप्सूल के बाद आ गया क्लॉस्ट्रम और क्लॉस्ट्रम के बाद जो है वो सब कॉर्टिकल वाइट मैटर ऑफ द इंसुला है, जो इसमें इंसुलर कॉर्टेक्स ना सही से नजर नहीं आ रहा लेकिन अगर यहाँ पर आए तो ये इंसुलर कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, ये कैविटी ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल।